नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हम स्किन पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस सीजन आप अपने स्किन की किस तरह केयर कर सकते हैं, एक हेल्दी स्किन के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप किसी स्किन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तब किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर आप इसे क्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया हेल्थ की। और इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजे स्किन हेयर क्लिनिक से स्किन स्पेशलिस्ट एंड थेरेपिस्ट डॉक्टर बीजे चैटी भोजवानी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैम, एक हेल्दी स्किन क्या होती है और आज के दौर में हम देखें तो क्या एक जो हेल्दी स्किन होती है इसकी परिभाषा बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली है जी, क्योंकि एक हेल्दी स्किन जो है उसमें एक नेचुरल ग्लो होता है और ग्लो की वजह होती है कि आप मेंटली फिजिकली फिट हैं और फुल हेल्दी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी डाइट, स्किन की क्लींजिंग और आप कितने केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। जी, आजकल मैम किस तरह की जो त्वचा समस्याएं हैं इसका सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स को सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अभी वो कौन सी हो गई हैं? एक तो है ड्राई स्किन, जो कई कारण है इसके ड्राई स्किन के। एक तो है कि आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं या बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मीन्स कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। एक्चुअली में आपकी स्किन को अच्छी क्वालिटी के कॉस्मेटिक की ज़रूरत होती है और नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से क्या है कि कम उम्र में झुर्रियाँ आने लगती हैं स्किन पे, स्किन पे धब्बे आने लगते हैं और स्किन देखने में भी अंडर नरिश्ड दिखती है। जी मैम, बहुत से लोग स्किन केयर के लिए आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादों का भी उपयोग करना पसंद करते हैं, आपकी राय में क्या ये इफेक्टिव होते हैं? बेस्ट है जी, जो प्राकृतिक चीजें हैं यही ज्यादा उपयोगी हैं। इसमें से काफी कुछ तो हमारे किचन में भी है और आजकल तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बाजार में भी मिल रहे हैं, तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप प्राकृतिक चीजें ही यूज करिए ताकि आपकी त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान न हो। प्राकृतिक चीजों में हम मैम अगर विस्तार से हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल होती हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्किन कैसे अपने को हेल्दी और ग्लोइंग रखनी है इसका एक बेसिक बता देती हूँ जी। कि स्किन करते हैं जी, तो डीप पोर क्लीजिंग के लिए कच्चा दूध, उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की और एक चुटकी हल्दी, इन तीन चीजों को मिलाकर अगर आप दो टाइम क्लीजिंग करते हैं तो इससे बेस्ट आपकी स्किन के लिए और कोई उपाय नहीं है जी। और मैम क्या ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है ये जो रेमेडी है? ये सभी तरह की स्किन पे सूट होता है। कुछ लोगों को नींबू से एलर्जी हो सकती है तो उसको नींबू को हटाया भी जा सकता है जी। अक्सर मैम लोग हमने देखा है कि स्किन पर कॉफी का भी बहुत यूज करते हैं, एक स्क्रब के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कॉफी और शुगर का ये जो ट्रीटमेंट है यूट्यूब से लोग अक्सर देखकर इस तरह की चीजें करते हैं, ये सेफ होता है स्किन के लिए? देखिए, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप यूट्यूब से देखकर ऐसे कोई भी चीज मत आजमाएं जी। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से में जो भी लगाना चाहते हैं उसका एक छोटा सा पैच टेस्ट ले लें, भले वो प्राकृतिक है पर आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है जी। और अगर कलाई के अंदर के भाग में आपको कोई समस्या नहीं आ रही है 10 मिनट वेट करिए जी, और अगर सूट हो रही है तो लगा सकते हैं बिल्कुल, वरना स्क्रब में संतरे के सूखे हुए छिलकों का पाउडर जी बेस्ट स्क्रब है और दूसरा स्क्रब है मसूर की दाल का पाउडर जी, जिसको दूध में मिलाकर आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, डेड स्किन रिमूव हो जाती है और स्किन हेल्दी लगती है। तो ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है मैम जो आपने बताया, क्योंकि बाजार में अक्सर देखते हैं लोग कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं, पार्लर्स में बहुत खर्च करते हैं लेकिन उसके बाद भी जो ग्लो है स्किन का वो नहीं मिल पाता। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर हमने बात की, वहीं दूसरी ओर ज्यादातर लोग मैम केमिकल से बने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को काफी ईजी, बहुत कन्वीनियंट मानते हैं यूज करने में, इसके नुकसान किस तरह से होते हैं इस पर भी अब हम चाहते हैं दर्शकों को डिटेल में जानकारी दें। अब देखिए, ऐसा है कि जो केमिकल कॉस्मेटिक है उसमें कई तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्किन में
ग्लो लाने के कुछ उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर वो एक परफेक्ट केमिकल फॉर्मुलेटेड होते हैं, तो इनका साइड इफेक्ट तो आता ही है। जी और इससे बचने के लिए अगर आप इनकी जगह प्राकृतिक कॉस्मेटिक यूज करेंगे जो अवेलेबल हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। केमिकल आफ्टरऑल आपको नुकसान करेंगे ही, पर अगर किसी वजह से आपको मजबूरी है और आप कॉस्मेटिक का यूज़ करते ही हैं, तो फिर जैसे मैंने बताया है, रात को सोने से पहले दूध और नींबू से डीप पोर क्लीजिंग कर लीजिए, ताकि अच्छी तरह आपकी स्किन साफ हो जाए और कॉस्मेटिक का कोई भी पार्टिकल आपकी स्किन में ना रहे। तो ये बहुत ही आसान रेमेडी है और हमारे दर्शक जरूर इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैम, क्या ये भी धारणा है कि केमिकल से बने जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो स्किन कैंसर भी बढ़ा सकते हैं, इसका क्या खतरा रहता है? रहता है इसका खतरा। जो गोरा करने की, खास करके जो फेयर क्रीम आती हैं, उनसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल डले होते हैं जो टेम्परेरी स्किन को फेयर कर देते हैं, बट सम टाइम के लिए, हमेशा के लिए गोरा नहीं हो सकता है। स्किन का जो कलर है वो हमारे स्किन में स्थित कलर पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है, जिसमें जो कलर पिगमेंट्स की संख्या हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो इसलिए ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है वर्ल्ड में जी। जो आपको गोरा बना सके। अगर आप अच्छी तरह क्लींजिंग करते हैं तो ऑलरेडी सफाई की वजह से स्किन फेयर भी दिखती है और ग्लो भी करती है। बिल्कुल, तो स्किन को आप साफ रखें तो ऐसे ही आपके स्किन में एक निखार आएगा, एक दमकती त्वचा आपकी दिखेगी। मैम, आमतौर पर जो होने वाले स्किन डिजीजेस हैं अभी वो कौन कौन से हैं और इसका कारण क्या है? एक तो है सन रेज, जो कि काफी स्ट्रांग सन एक्सपोजर है, तो जब भी घर से बाहर निकलें स्किन पे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा कर निकलें। दूसरा है कि जो पॉल्यूशन है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसकी वजह से झाइयां और जैसे तिल होते हैं उस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स स्किन पे आ जाते हैं, जिसको हम स्किन की भाषा में फ्रेकल्स कहते हैं, लाइट ब्राउन कलर के जी। और झुर्रियां जल्दी आ रही हैं, स्किन ड्राई हो रही है, इस तरीके से बहुत सारे साइड इफेक्ट आ जाते हैं। और अगर आपके बालों में रूसी है, डेंड्रफ, तो फिर आपके फेस पे पिंपल्स भी आ जाएंगे, चाहे आपकी एज कोई भी हो। अभी जो मैम युवा हैं, अंडर 30 भी हम बात करें, तो हम देख रहे हैं कि उनके चेहरों पर बहुत झुर्रियां आती है और समय से पहले ही जो छाइयां हैं वो आ जाती हैं, तो क्या इसका कारण सिर्फ सनरेज हो सकता है या फिर लाइफस्टाइल भी इसके लिए बहुत हद तक आप जिम्मेदार मानती हैं? लाइफस्टाइल का तो बहुत बड़ा हाथ है। जो हम मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे हैं उसके रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा है लेट नाइट स्लीपिंग और फास्ट फूड, ये कुल मिलाकर के ये आपको स्किन में डैमेज ही देते हैं जी। क्योंकि स्किन को भी एक आराम की जरूरत होती है, और कहा भी गया है कि हम जो खाते हैं उसकी एक छवि हमारे चेहरे से दिखती है, हमारे स्किन से दिखती है, एक रिफ्लेक्शन आपका होता है आपके फूड का। तो फास्ट फूड आप अवॉइड करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, समय से सोएं, तब जरूर आपके स्किन को भी आराम मिलेगा, एक निखार आएगा। मैम, आपके अनुभव में जो त्वचा समस्याएं हैं इसके इलाज में अभी क्या इनोवेशन हुई है, क्या नवाचार आया है? मैं पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ जी, और मेरा अनुभव और मेरी रिसर्च बताती है, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को रिसर्च करके कुछ अपने पर्सनल फॉर्मूले भी तैयार किए हैं, जो मैं सिर्फ अपने क्लिनिक में ही स्किन टेस्ट करके और जैसी समस्या हो उस हिसाब से दवाइयाँ देती हूँ। क्रीम फॉर्म में भी हैं, ऑयल फॉर्म में भी हैं, और वो शत प्रतिशत प्रभावित हैं, प्रभाव देती हैं। जो भी समस्या होती है उसका समाधान निकलता ही है इन चीजों से। बिल्कुल, और अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही ट्रेंड आया हुआ है नायसेमाइड सीरम का, अक्सर लोग इसे फेस पर यूज करते हैं और कहते हैं कि इससे पिंपल्स, पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो इस सीरम से दूर हो जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सीरम देखिए हम भी देते हैं, पर वो हर्बल होता है जी, और मैं कह नहीं सकती, मार्केट में सभी तरीके के सीरम अवेलेबल हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और केमिकल भी हैं, वो आप पर डिपेंड करते हैं आप क्या सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, एक जो फीमेल होती है उसके स्किन केयर और एक जो मेल होता है, मैम उसके स्किन केयर में क्या डिफरेंस होता है, क्या जो नुस्खे हैं वो इन दोनों के लिए कारगर होते हैं या फिर स्किन में डिफरेंशिएशन की वजह से इन्हें दूसरी एडवाइस दी जाती है? कोई ऐसा विशेष डिफरेंस नहीं होता है मेल फीमेल स्किन में, स्किन तो स्किन है जी, और एक स्पॉन्ज की तरह है, जो भी आप लगाएंगे वो उसको एब्जॉर्ब करती ही है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी करीब करीब सेम ही होते हैं और प्रॉब्लम भी उसी के हिसाब से ही सॉल्व की जाती है जी।
मैम आपने एक सन ब्लॉक की बात की थी कि जब भी हम सन रेस के संपर्क में आते हैं तो स्किन बहुत डैमेज होती है। सनस्क्रीन का चयन करना बहुत ज्यादा कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो जब भी हम सनस्क्रीन का चयन करने जाए तो किन बातों का हमें ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स एक अच्छी सनस्क्रीन में होने चाहिए? एक तो आप अच्छी कंपनी लीजिए और दूसरा उसको स्किन टेस्ट ले लीजिए, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि कलाई के अंदरूनी हिस्से में पेस्ट टेस्ट कर लीजिए। आप 5 मिनट शॉप पे रुक सकते हैं और पेस्ट टेस्ट के बाद ही लीजिए। जी, और अभी हम देख रहे हैं मैम कि बहुत सारे, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया पर देखकर लोग अपने स्किन केयर करने की कोशिश करते हैं, बकायदा वो स्किन स्पेशलिस्ट से नहीं मिलते हैं, तो इसे कितना ज्यादा आप स्किन को डैमेज करने वाला मानती हैं? अब देखिए, आप देखकर उतना परफेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, और जितना आप उसमें कुछ समय का वीडियो देखते हैं उसमें उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। जी। तो मैं तो सलाह दूंगी कि ऐसे देखकर और सुनकर न करके किसी एक्सपर्ट से सलाह लें और उसकी देखरेख में ही कुछ भी चीज आप आजमाएं। बिल्कुल, और जैसे मैम सोशल मीडिया में हम अक्सर देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होती है, उनकी स्किन हमेशा बहुत ग्लो करती रहती है, और उसे देखकर जो यूथ है वो भी चाहते हैं कि उनकी स्किन भी उनकी तरह रिफ्लेक्ट करे। भले ही उनकी स्किन हेल्दी है लेकिन अपने स्किन को और भी ज्यादा वो चेरिश करने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए क्या अभी किसी तरह के ट्रीटमेंट्स मौजूदा साइंस में हो चुके हैं? हाँ, है, काफी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, कुछ परमानेंट मेकअप भी होने लगा है और कुछ शेप भी चेंज हो जाते हैं फेस के या लिप्स के, अभी तो काफी एडवांस टेक्निक्स हैं, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्राकृतिक बनावट है वो ज्यादा सही होती है? मैं तो सलाह दूंगी कि आप जो भी नेचर है उसे छेड़छाड़ ना करें, और जो आपको गॉड गिफ्ट है उसको और अच्छे से आप साफ सुथरा रखें और हेल्दी रखें। जी मैम, एक हेल्दी स्किन के लिए डूज एंड डोंट्स क्या क्या होने चाहिए? हेल्दी स्किन के लिए सबसे पहले तो आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो बिस्तर पर ही बैठ के 2 गिलास पानी पीजिए। जी, उसके बाद सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कम से कम 3 लीटर पानी इंटेक होना चाहिए, आपको पीना चाहिए। जितना आप पानी पियेंगे उतनी आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। दूसरा, कम से कम कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा स्किन को क्लीन रखें। जी। और मौसम के हिसाब से, अगर सर्दियों का मौसम है तो मॉइस्चराइजर या गुलाब जल का इस्तेमाल करें, और अगर गर्मी है तो सिर्फ गुलाब जल का इस्तेमाल करें। और ऐसी कौन सी चीज है मैम जिसे स्किन पर लगाने से हमें अवॉइड करना चाहिए या स्किन के लिए बहुत ज्यादा वो खतरनाक होती है? केमिकल ही है जो मेनली अफेक्ट करते हैं स्किन को, और उसका स्किन का टेक्सचर डैमेज करते हैं, पीएच फैक्टर डैमेज करते हैं, ऑयल और मॉइस्चर का जो बैलेंस है वो इन प्रोडक्ट की वजह से डिस्टर्ब होता है, और उसी से ही सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल मैम, जिनका रेगुलर फील्ड वर्क होता है, जो लगातार बाहर जाते हैं धूप में काम करते हैं, वो लोग उतना समय अपने स्किन केयर के लिए नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसे हमारे व्यूअर्स जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं, पॉल्यूशन में रहते हैं, वो किस तरह से अपने स्किन केयर कर सकते हैं कम समय में? पहली बात तो जब आप सुबह तैयार होकर निकलते हैं तो सिर्फ 3 मिनट अपनी क्लींजिंग के लिए दे दीजिए, फेस और जो एक्सपोजिंग पार्ट है आपकी बॉडी के उनको अच्छे से क्लीन कर लें। और बेस देने के लिए रोज वाटर सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि पानी है वो एक तरह का, उससे ना आपको पसीना आएगा ना उसमें कुछ डस्ट जमेगी क्योंकि उसमें तेल नहीं है। जी। तो अच्छी तरीके से रोज वाटर को लगाकर और थपथपा लीजिए, तो जो आपके स्किन के पोर्स हैं, रोम छिद्र हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो बेस का काम करेंगे। फिर उसके ऊपर अगर आप कोई मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो लगा सकते हैं, बट वो स्किन को हार्म नहीं करेगा, एक तरह से प्रोटेक्शन आपके स्किन के लिए हो जाएगा, एक लेयर वो क्रिएट कर देगा। और मैम ये तो बात होगी जो लोग बाहर रहते हैं सर, लेकिन जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे कि जिन्हें कैमरा वर्क बहुत फेस करना पड़ता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री का ही प्रोफेशन है, जो लोग रेगुलर मेकअप में रहते हैं उनकी स्किन क्लॉग हो जाती है, वो किस तरह से अपने स्किन की केयर कर सकते हैं? इसके लिए तो जैसे मैंने बताया कि क्लींजिंग तो है ही है, बट जब आप कैमरे को फेस करते हैं तो कोशिश करें कि जो लेयरिंग होती है कॉस्मेटिक की वो कम से कम हो और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की हो। जी बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे मैम डार्क सर्कल्स पर, क्योंकि बहुत सारे कारण इसके बताए जाते हैं, कभी जेनेटिक भी होता है, कई बार नींद की कमी होने से भी होता है, लेकिन कई बार जेनेटिकली ना हो, नींद भी पूरी ले रहा है व्यक्ति, उसके बाद भी डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो इसका क्या कारण होता है? इसके तो वैसे बहुत सारे कारण है, पर इसका एक जो मेन है वो है कि अगर आपकी डाइट अच्छी रिच नहीं है, हेल्दी डाइट आप नहीं लेते हैं, तो
हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो जाता है। आप एक तो अपना हीमोग्लोबिन बैलेंस रखिए, डाइट अच्छी रिच रखिए, जिसमें सभी तरीके के ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। एक बार आप खाना कम खाइए मैं कहती हूँ, पर नरिशिंग जो चीज़ें हैं सैलेड वगैरह ये आप भरपूर लीजिए, नींद भी भरपूर लीजिए। और अगर आपको हो गए हैं डार्क सर्कल तो इसके लिए आप 5 मिनट का समय निकालिए और जो टी बैग्स होते हैं उनको गर्म पानी में डिप करके और उनको हल्का ठंडा करके आइस बंद करके उसके ऊपर रख सकते हैं 5 मिनट के लिए जी। ये होता है आइस पैक। इसके अलावा खीरा कद्दूकस करके या स्लाइस में लगा सकते हैं या पोटैटो क्रश करके लगा सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये 100% रिजल्ट देती हैं। और कुछ आइस की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे जल्दी जल्दी पलकें झपकना, जोर से आंखें भींचकर फिर पूरी वाइडली खोलना, ये 2-3 एक्सरसाइज, किसी एक इमेज पे फोकस करना, ऐसी 3-4 आंखों की एक्सरसाइज भी करिए जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डार्क सर्कल को रिमूव करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। और कई बार मैम ऐसा होता है कि जो पिंपल्स हैं वो आफ्टर 20s भी बहुत सारे लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडीज है जिसके माध्यम से हम इन्हें दूर कर सकते हैं? देखिए जनरली तो हम लोगों ने जो सुना है कि ऑयली स्किन पे पिंपल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी तरीके की स्किन पे पिंपल्स एक प्यूबर्टी स्टेज में आते ही हैं, उसमें हार्मोनल जब चेंजेस आती हैं तो पिंपल्स आते हैं। बार बार पिंपल्स निकलने से जो हमारे स्किन के पोर्स हैं, रोम छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत आसानी से धूल या जो कुछ भी आपने चेहरे पर लगाया है वो सब उसमें जमा होने लगता है। और जब जमा होकर वो रोम छिद्र को बंद कर देता है तो बन जाता है वो ब्लैक हेड, और उसमें धीरे धीरे फिर इन्फेक्शन की वजह से पस बनने लगता है, पस्ट्यूल बन जाता है। अगर आपने दबाकर उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो फिर गड्ढे बन जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इनको बिल्कुल हाथ से ना छेड़ें, और अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो एक बार दिन में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 3 चम्मच गुलाब जल मिलाकर फेस पैक लगा लें। या कम संख्या में पिंपल्स हैं तो जहाँ पिंपल्स हैं सिर्फ उसी के ऊपर लगाएं, इससे आपकी स्किन की जो ऑयल बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा और मुहासे निकलने कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैम जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें भी बहुत ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है, तो ऐसे कौन से नेचुरल मॉइस्चराइजर्स का वो यूज कर सकते हैं जिनकी जिससे उनकी जो त्वचा है उसका पीएच बैलेंस बना रहे? इसके लिए तो मैंने भी बहुत अच्छा फॉर्मूला किया हुआ है जी, और इसमें मेन हेल्प करता है ऑलमंड ऑयल जी, दूसरा है इसमें जोजोबा ऑयल और तीसरा है ऑलिव ऑयल। इसमें से कोई भी एक ऑयल लेकर आप उसकी हल्की मसाज कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप जितना त्वचा को ज़रूरत है वो सोख लेगी और आपकी स्किन की नमी भी बना कर रखेगी जी। और अगर एक्स्ट्रा लगता है तो आप सिर्फ पानी से वॉश कर लीजिए और पानी को टॉवल से सोख लीजिए, सारे दिन आपकी त्वचा जो है वो नम रहेगी। बिल्कुल। मैम सुबह और शाम तो हम स्किन की केयर कर सकते हैं, लेकिन जब हम वर्किंग आवर्स में रहते हैं, चाहे हम ऑफिस की बात करें, हम जब ऑफिस में रहते हैं तब किस तरह से एक स्किन को हम एक लेयर प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो नमी है, प्रदूषण है, तमाम चीजों से हम उसका बचाव कर सकें? अगर आप ऐसी जगह पर वर्किंग में हैं जहां पर अगर आपको पानी मिल जाता है फेस वॉश करने के लिए तो एक दो बार फेस वॉश कर लीजिए, और पानी सुखाने के बाद में गुलाब जल की एक छोटी शीशी रखिए अपने बैग में, और उसको कॉटन पैड्स कुछ कॉटन पैड पे लेके हल्का सा पूरे चेहरे पर थपथपा लीजिए, स्किन में वापस चमक आ जाएगी और आपको फ्रेश लगेगा। बिल्कुल। मैम एक सवाल ये भी है कि क्या जो स्किन का टेक्सचर है उसे चेंज किया जा सकता है? क्योंकि बाय बर्थ हम देखते हैं कई बार कि एक अलग स्किन टेक्सचर के साथ बच्चा पैदा होता है, समय बढ़ते साथ स्किन जब उसकी बॉडी डेवलप करती तो और निखार आता है, ऑल ऑफ सडन उसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, तो क्या इसे एक अच्छे स्टेज पर आज जो मेडिकल साइंस हमारा इतना एडवांस हो चुका है उसके माध्यम से लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। जैसे ही बच्चा 12 साल के बाद ग्रो करना शुरू करता है, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाती है 13 के बाद में, तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि स्किन को साफ रखें, और जो डाइट जैसे मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सब्जियाँ सलाद वगैरह लें, और मॉइस्चराइजर या फिर इतने छोटे बच्चे को बेहतर होगा अगर सिर्फ गुलाब जल लगाने के लिए आप दें तो स्किन का जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहेगा। वैसे अगर आप बोलेंगे तो स्किन में कॉम्बिनेशन भी होती है, ऑयली ड्राई और नॉर्मल 3 तो होती हैं, एक इसमें कॉम्बिनेशन भी होती है।
जिसमें टी जोन जो है वो ऑयली होता है, नाक, ठुड्डी और माथा, इसको हम टी जोन बोलते हैं, ये ऑयली होता है और चिक्स का एरिया जो है वो ड्राई होता है। तो दोनों तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो स्किन का टेक्सचर चेंज हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक अगर स्किन डैमेज हो गई है, खासकर जैसे कि मेकअप करने की वजह से कई बार हम देखते हैं कि लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है, सन बर्न के कारण बहुत ज्यादा स्किन इफेक्ट हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अपनी स्किन को रिकवर करने के लिए वो कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं? इसके लिए तो आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, और क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें जो स्किन की जो भी डैमेजिंग है उसको रिकवर कर लेते हैं और गाइड भी करते हैं कि इसके बाद आपको आगे इसको कैसे मेंटेन रखना है। तो इसमें क्लिनिकल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रीटमेंट का महत्व है। वहीं अगर हम नेचुरल रेमेडीज की तरफ जाएं तो क्या इसमें हम कुछ ऐसा सजेस्ट अपने व्यूअर्स को कर सकते हैं कि नेचुरल रेमेडीज से भी आप कुछ हद तक एक अच्छी स्किन पा सकते हैं? हाँ, इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे शहद है, गुलाब जल तो मैं बार बार बता ही रही हूँ, जी जी, और इसके अलावा आप एक शुगर पेस्ट बना सकते हैं, जो दानेदार चीनी अपने घर में होती है उसको गुलाब जल में मिला के और हल्का हल्का स्क्रब करिए, तो ये जो है ये स्किन डैमेज को कंट्रोल करता है और स्किन में मॉइस्चर बैलेंस करता है, स्किन हेल्दी दिखती है। जब आप वॉश कर लेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी स्किन में चमक आ गई है। बिल्कुल, और जैसे कि मैम आपने कहा कि स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए फेस वॉश बहुत अहम हो जाता है, तो जब भी हम फेस वॉश का चुनाव करें तो क्या चीजें हमें उसके इंग्रेडिएंट्स में देखने चाहिए कि ये एक अच्छा फेस वॉश है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फेस वॉश करने से जो एक नेचुरल ऑयल होता है स्किन का वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए अगर आप आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उनमें केमिकल बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते, और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो प्योर आयुर्वेदिक ही प्रिपेरेशन है, तो आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हर्बल प्रोडक्ट्स पर आप ज्यादा ध्यान दें, और अगर कोई मेजर प्रॉब्लम स्किन से है तो जरूर आप स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका एक ट्रीटमेंट सेशन होगा और उसके बाद आपकी जो पूरी स्किन प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। और एक जो सार निकल कर आया है इस पूरे एपिसोड का वो यही है कि जितना ज्यादा आप अपने स्किन को साफ रखेंगे उतना ज्यादा आप त्वचा संबंधी जो रोग है उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज इंडिया हेल्थ में हमने बात की स्किन केयर पर, हमने जाना कि किस तरह स्किन प्रॉब्लम्स को आप क्योर करके और अपने स्किन का प्रॉपर ध्यान रख के एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। इस सब्जेक्ट पर स्किन स्पेशलिस्ट एंड थेरेपिस्ट डॉक्टर बीजी भुजवानी जी ने हमें जानकारी दी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।